हालिया रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि कैंसर और अन्य कई रोगों की असल वजह रोजाना जीवन में पीने वाले पानी से होगा और इस विषय पे महानगर कोलकाता के लेकटाउन इलाके के तोदी भवन में लोटस इंटरनेशनल के द्वारा कैंसर रिवर्सल एंड प्रिवेंशन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राज किकलानी और किशोर पारिख जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अपनी बातें रखी। वहीं इस प्रोग्राम में बताया गया कि किस तरह से हमारे शरीर में जाकर नॉर्मल एसिडिक वाटर से हमें कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से अल्कलाइन वाटर इसका मुकाबला कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में डॉक्टर रश्मि शर्मा, राकेश खट्टर और परिजात बोस ने आने वाले सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया और सभी को कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए अहम टिप्स भी बताए। मायसेल्फ किशोर पारिख, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद से हम कलकत्ता आए हैं कैंसर अवेयरनेस के लिए, क्योंकि कैंसर का जो सबसे बड़ा कोज है, सबसे बड़ा कारण है, वो बॉडी का एसिडिक एनवायरनमेंट और सब्जियों में जो पेस्टिसाइड है वो सबसे बड़ा कारण है। तो ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू बॉडी के एसिडिक एनवायरनमेंट को ख़त्म किया जाता है बाई एल्कलाइज आयोडाइज वाटर। और दूसरा, इसके अंदर एक जो 11.5 pH का पानी निकलता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि वो सब्जियों को पेस्टिसाइड फ्री करता है। इस तरीके से अगर एसिडिक बॉडी खत्म हो गया, एल्कलाइन एनवायरनमेंट बॉडी में रहेगा और पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां रहेगी, तो कहीं ना कहीं कैंसर से बचने में मदद मिलेगी। सो जो डिग्री ऑफ डॉक्टरेट इज फॉर होम्योपैथ, तो 20 साल से एक्यूप्रेशर सुजोक थेरेपी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो प्रैक्टिस करते जो करते ना, 20 सालों से जो भी पेशेंट मेरे पास में आते थे, सबसे पहले उनका जो क्वेश्चन होता था कि हमें कितना दिन तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या कब तक हम लोग ठीक हो जाएंगे। तो 20 साल से आई वॉज इन सर्च ऑफ समथिंग कि कुछ ऐसा मिले कि लोगों को डॉक्टर के पास जाने का ही ज़रूरत नहीं पड़े। तो ऐसा कुछ मेरे पास में, मेरे हाथ में आया, एंड दैट इज़ दिस डिवाइस। दिस इज़ कॉल्ड अ मेडिकल डिवाइस, दिस इज़ द कैंगन वाटर। और उसी के लिए हम लोगों ने आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ऐसे हम इस कैंसर की बीमारी को ठीक कर सकते जिनके हुआ और प्रिवेंट भी कैसे कर सकते हैं कि कैंसर हो ही नहीं, तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करने आए कि कैसे एक जस्ट पानी चेंज करने से हम इतनी बड़ी बीमारी, खाली कैंसर ही नहीं और भी कई बीमारियों से हम लोग रिकवरी पा सकते हैं और दवाइयों मुक्त हो सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आज यहाँ तोदी भवन में हमने इसी के रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम किया, जिन्होंने अपने माध्यम से उन्होंने बताया। इससे लगा है कि पानी से हम लोग को शुरू से मिल सकती है अगर हम लोग एक बार कोशिश करें तो, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट ही जापान का है और जापान इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे आगे है और उनका जो भी सोच होगा कुछ ना कुछ तो अलग होगा है, क्योंकि वो इस तरह से प्रोजेक्ट बनाए भी है कि जिसका एक पेन कार्ड होगा उसको एक ही मिलेगा। আমি তো বার্তা কিছু দেবো না, আমি নিজে যেটা ভাবছি সেটা হলো যে এই যে ডেমনস্ট্রেশনটা ওরা দিলেন আজকে, এটা খুবই অ্যাট্রাকটিভ ব্যাপার একটা হয়েছে, খুবই ইন্টারেস্টিং। আগে আমরা এরকম একটা মেশিনের কথা জানতাম না, তো জেনে আমাদের খুব ভালোই লাগলো। তা এটা যদি ইউজ করে তাহলে আর কিছু না হোক বডির মধ্যে পিউরিফিকেশনের একটা ব্যাপার আসবে, সেটাও কিন্তু ভীষণভাবে আমাদের দরকার।